नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूनी एग्जाम के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2024 है। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आज के जो विभिन्न न्यूज़पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको लेकर हम उपस्थित हुए हैं और अब हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला जो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित है और ये द हिंदू से लिया गया ये इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है। साउथ कोरियन कॉन्ग्स विंस लिटरेचर नोबेल और हर इंटेंस प्रोज। तो इस न्यूज में दिया बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की जो लेखिका है हांगकांग, उनको वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनके काव्यात्मक गद्य के लिए। जो हांगकांग है वो अपने साहित्य में जो मानव जीवन के जो संघर्ष हैं उनको वो दर्शाती हैं, वो दिखा रही हैं और उसकी वजह से उनको दक्षिण कोरिया की जो लेखिका है हांगकांग, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। हांगकांग पहली एशियाई महिला है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पूरे एशिया की पहली महिला है। और उसके अलावा इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं जैसे द वेजिटेरियन, ह्यूमन एक्ट्स, द वाइट बुक, तो इन सब पुस्तकों में जो इन्होंने मानव संघर्षों को दिखाया है उस पर उन्हीं रचनाओं के आधार पर इनको 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आइए देखते हैं, दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, उनकी काव्यात्मक गद्य के लिए, ठीक। और ये मानव जीवन के संघर्षों को उजागर करने वाले काव्यात्मक गद्य सृजित करने के लिए दक्षिण कोरिया की साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हांगकांग को साहित्य पुरस्कार जीतने वाली वो पहली एशियाई महिला है। तो आप ध्यान दीजिएगा, साहित्य पुरस्कार जो नोबेल है वो जीतने वाली पहली एशियाई महिला है। और उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, द वेजिटेरियन, ह्यूमन एक्ट्स और द वाइट बुक, ये इनके पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं। और द वेजिटेरियन के लिए इनको वर्ष 2016 का बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो 2016 का जो बुकर प्राइज है वो इनको अपनी पुस्तक द वेजिटेरियन के लिए प्रदान किया गया, ठीक। उसके अलावा इन्होंने अपनी जो इनकी एक अन्य जो बहुत ही फेमस पुस्तक है ह्यूमन एक्ट्स, वो 1980 में जो ग्वांगजू शहर है साउथ कोरिया का, उसमें जो सेना द्वारा सैकड़ों छात्रों और नागरिकों पर जो नरसंहार किया गया था वो उस पर आधारित है ये पुस्तक। तो ये पुस्तक भी बहुत ही फेमस है, इससे और द वेजिटेरियन, इन पुस्तकों से आपसे पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन है हांगकांग जिनको 2024 का साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। अब हम पढ़ते हैं अपने आगे की न्यूज की तरफ, तो वो कौन सी है, वो है भारत आसियान सम्मेलन 2024 का। जो आसियान सम्मेलन आयोजित हुआ है लाओस के विंतियाने शहर में, तो उस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए और उसके साथ साथ भारत आसियान सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें जो आर्थिक, सामरिक, सुरक्षा, इन सब विषयों पर लेकर चर्चा हुई और आपसी सहयोग, व्यापार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। तो आइए हम देखते हैं, और आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आसियान है, उस विषय में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। भारत आसियान सम्मेलन 2024 लाओस के विंतियाने शहर में आयोजित हुआ, ठीक है। तो कहां पर आयोजित हुआ, लाओस में, विंतियाने शहर में, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और वर्ष 2024 का भारत आसियान सम्मेलन, ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन आसियान के सदस्य देशों के बीच सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसके साथ साथ डिजिटल, आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर प्रतिबद्धता हुई। और इसके अलावा इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारत आसियान, जो इस बार का प्रमुख उद्देश्य था वो भारत आसियान देशों के बीच डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना था। और दोनों पक्षों ने, मतलब आसियान और भारत ने, व्यापार रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए और डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे UPI जो आपका डिजिटल भुगतान प्रणाली है के आपस में जुड़ाव पर विचार करने पर निर्णय लिया। तो डिजिटल भुगतान प्रणाली जो है, डिजिटल पेमेंट जो है, उस पर भी चर्चा हुई और इससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
तो जो आसियान कंट्रीज हैं और उसके साथ भारत अपनी जो व्यापार के साथ साथ जो डिजिटल पेमेंट प्रणाली है उसमें आगे बढ़ेगा, उसमें जुड़ाव लाएगा और इससे क्या होगा, व्यापार के क्षेत्र में एकीकरण की स्थिति देखने को मिलती है। सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब विषयों पर सहयोग पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों पक्षों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जा सके, तो साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब विषयों पर, इसके अलावा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों पर सहयोग पर जोर दिया गया जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगा। इसके अलावा भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग, आप जैसे जानते होंगे भारत थाईलैंड म्यांमार जो जुड़ा हुआ है, तो एक त्रिपक्षीय एक राजमार्ग की बात की, सड़क मार्ग की बात की, इसके प्रयासों पर चर्चा की गई। इससे क्या होगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और भारत के बीच संपर्क में सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर दक्षिण चीन सागर, जो चीन का प्रभाव है दक्षिण चीन सागर में और एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री विवादों को समाधान और शांति बनाए रखने के प्रयासों पर जोर दिया गया, जिससे दोनों पक्षों में स्थिरता और शांति बनी रहे। व्यापार, भारत और आसियान के बीच व्यापार और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, भारत आसियान व्यापार समझौते को संशोधित करने और पर्यटन क्षेत्र में वर्ष 2025 को, ये इंपॉर्टेंट है, आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो वर्ष 2025 को पर्यटन के क्षेत्र में आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो आपने देख लिया कि भारत आसियान सम्मेलन जो है वो लाओस में आयोजित हुआ और उसमें समुद्री सुरक्षा से लेकर व्यापार, डिजिटल, आर्थिक, सामरिक और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, इन सब विषयों पर भी बात किया गया है। और इसके साथ साथ भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक त्रिपक्षीय राजमार्ग के विषय पर भी बात की गई है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा आसियान के बारे में समझ लेंगे कि आसियान है क्या। तो आसियान जो है वो साउथ ईस्ट एशियन, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है और ये हिंद महासागर के बगल आप देखते हैं, यहाँ पर म्यांमार आपकी सीमा से लगा हुआ है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब देशों का, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब देशों का एक संगठन है जो आसियान है, जिसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान इसका फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। जो इसमें देश कौन कौन से हैं, इसमें 10 देश शामिल हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और म्यांमार। और ये आपका जो देश है वो साउथ चाइना सी और आपका इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र क्या है, यही क्षेत्र में जो उपस्थित देश है इनका जो ग्रुप है उसको आसियान के नाम से जाना जाता है। तो आसियान, जिसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई, 65 को 67 को हुई, और इसकी स्थापना जो हुई वो कहां हुई, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, इनके सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य और इसके साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक विषयों को आगे बढ़ाना है। आसियान के जो प्रमुख देश हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं, कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। मैप से भी समझ सकते हैं कि कौन कौन से देश जो हैं वो इनमें शामिल हैं, ठीक। और उसके बाद आसियान का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। तो ये जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ यह संगठन व्यापार, निवेश, पर्यटन और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर आपसी सहयोग पर जोर देता है। तो जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर, जैसे चाहे व्यापार हो, चाहे निवेश हो, पर्यटन हो, इन विषयों पर जोर देता है। और इनके प्रमुख सिद्धांतों में सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना है और विवादों को शांतिपूर्वक समाधान और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करना है। आसियान देशों का आपसी सहयोग और एकता क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप आसियान देशों को समझ लिया, और आसियान देश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है
क्यों चाइना का जो प्रभाव है वो इन देशों पर अत्यधिक, चाइना यहां पर अपना हस्तक्षेप बढ़ाता है, तो इस वजह से भारत के साथ इनका जो संबंध है, ये भारत से अपना संबंध रखकर इस क्षेत्र में अपनी क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भारत के दृष्टिकोण से, आसियान के दृष्टिकोण से और वर्ल्ड की जो राजनीति है उस दृष्टिकोण से और आपके आईआर के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। तो आसियान से कभी कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आसियान में कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, या आसियान का गठन कब हुआ, ठीक है, आसियान किन मुद्दों को लेकर कार्य करता है, तो ये आप लोग यहां से समझ सकते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप उसी के साथ साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है टेलीमेल मेंटल हेल्थ के लिए से संबंधित न्यूज। तो आपके जो पुडुचेरी है वहां पर जल्द एक टेली मेंटल हेल्थ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो वो क्या है, जो राष्ट्रीय टेली मानस कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय टेली मानस कार्यक्रम जो चल रहा है ये 2022 से, इसके अंतर्गत पुडुचेरी में एक टेली मेंटल हेल्थ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस सेवा का उद्देश्य क्या होगा, इस सेवा का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को आसान और सुलभ बनाना है। आप जैसा कि जानते होंगे कि इस समय एक बड़ी समस्या उभर कर आ रही है विश्व स्तर पर और भारत में भी, वो देखने मानसिक रूप से लोग अस्वस्थ चल रहे हैं, मानसिक जिससे वो कई तरह के कदम उठा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और उस वजह से सुसाइड तक का वो कदम उठा रहे हैं, उस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दुविधा से निकालने के लिए, उनके मानसिक स्तर को सुधार करने के लिए सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय टेली मानस कार्यक्रम शुरू किया गया है और उसके तहत टेली मेंटल हेल्थ सहायता केंद्र की उपलब्धता की जाएगी और ये पुडुचेरी में होगा। इस सेवा का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल करना और सुलभ बनाना है। इसमें क्या होगा, टेली मानस सेवा में 24/7 मतलब सातों दिन 24 घंटे ये काम करेगी और लोगों की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञ इसमें परामर्श देंगे और उसके साथ साथ ये भारत की जो आयुष्मान भारत योजना है उससे और ई संजीवनी जैसे डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से इसको जोड़ा जाएगा ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक व्यापक और एकीकृत किया जा सके। तो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो इस माध्यम से अपनी उपचार कर सकते हैं और इसकी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, पुडुचेरी में। तो टेली मेंटल हेल्थ सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है और ये राष्ट्रीय टेली मानस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है वो न्यूज है, भारतीय नौसेना का एक जो आपका युद्धपोत है INS तलवार, वो अभी साउथ अफ्रीका के एक सिटी में पहुंचा हुआ है, सिम्पसन्स टाउन सिटी में। तो उस टाउन सिटी में ही एक IBSMR का जो 8वां संस्करण है, उस जो ये IBSMR का जो ये 8वां युद्धाभ्यास है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, संयुक्त बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, ये आयोजन किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में। तो इसके लिए भारत का INS तलवार जो युद्धपोत है वो वहां उपस्थित हुआ है। ये जो संयुक्त बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है ये 6 से 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। ये 6 से 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाएगा कहां पर, साउथ अफ्रीका में, और जिसमें भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं शामिल होंगी। तो आप जानते हैं कि भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नौसेनाएं इस संयुक्त बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में शामिल होंगी और इसका जो उद्देश्य है वो तीन देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, आपसी समझ को बढ़ावा देना और जो खासकर ब्लू वाटर नेवल वारफेयर है, जो समुद्र के अंतर्गत वारफेयर का जो एक सिस्टम है, उस क्षेत्र में कार्य करना है। तो आपसी सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना है ये तीन देशों का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, IBSMR जो 8वां जो संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है वो तीन देशों के बीच, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत के बीच संपन्न हो रहा है, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें भारत की तरफ से युद्धपोत जो भाग ले रहा है वो है INS तलवार। कल हमने चर्चा की थी कि एक मालाबार अभ्यास चल रहा है, तो मालाबार अभ्यास कहां, किसके किसके बीच में है, मालाबार अभ्यास की कल हमने चर्चा की थी 2024, ये विशाखापट्टनम में हो रहा है और ये किन किन के बीच में, इसमें इंडिया और USA, एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं, USA उसके साथ ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ जापान,
ये चार देशों का एक संयुक्त बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मालावार जो विशाखापट्टनम में अक्टूबर में ही संपन्न हो रहा है, ये भी नौसेना का एक संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। तो ये मालावार, इसकी कल चर्चा हम लोगों ने की थी। और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका में आईबीएस मार जो आठवां है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण से। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। तो जो उत्तराखंड राज्य है उसको राष्ट्रीय खेलों का 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मेजबानी मिली हुई है जो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक संपन्न होगा। और इसके साथ साथ इसमें जो राज्य क्या राज्य में राष्ट्रीय जो शीतकालीन खेल हैं उनकी भी मेजबानी इनको मिली है। इस खेल के माध्यम से ये जो आयोजन है इसके माध्यम से राज्य की खेल क्षमताओं को बढ़ाने और युवाओं को राष्ट्रीय मंच पे अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान होगा। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 38वां राष्ट्रीय खेल जो है वो उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में 38 विभिन्न खेल होंगे और इसके साथ साथ 10,000 खिलाड़ी कोच और अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक, तो आपने देख लिया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हो रहा है, उत्तराखंड में। ठीक, और इसके इसमें जो इससे क्या होगा, राज्य का जो खेल है उसको बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ युवाओं को एक राष्ट्रीय मंच मिलेगा जिससे वो अपनी खेल का प्रदर्शन कर सकेंगे। अब हम अगले नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं अपने। वो क्या है, वो है भारत की जो सुरक्षा कैबिनेट समिति है उसने अभी हाल ही में दो प्रमुख रक्षा सौदों को लेकर मंजूरी प्रदान की है। उसमें क्या है, एक तो स्वदेशी रूप से दो न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों के निर्माण की बात कही गई है। तो जो दो न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स हैं, दो न्यूक्लियर से संपन्न जो पनडुब्बियां हैं इनके निर्माण की बात की गई है। और इसके साथ साथ अमरीका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, ठीक, MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद की बात कही गई है। यह सौदा भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देगा। तो जो भारत की सुरक्षा कैबिनेट समिति है उसने अभी एक निर्णय लिया है कि हमको दो न्यूक्लियर पनडुब्बियां का निर्माण करना है और उसके साथ साथ 31 MC जो आपका 9B MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है इसकी खरीद की बात कही गई है। और ये भारतीय सेना के लिए, इसमें जो 31 MQ-98 ड्रोन है उसमें से जो 15 हैं वो भारतीय नौसेना के सी गार्डियन को संस्करण होंगे जबकि जो 16 हैं वो भारतीय सेना और वायुसेना के होंगे। तो इसमें जो 15 है वो किसको जाएगा, भारतीय नौसेना को, और 16 जो ड्रोन है वो भारतीय सेना और वायुसेना के लिए होंगे। यह ड्रोन उपयोग समुद्री निगरानी, एंटी सबमरीन वारफेयर और सीमाओं पार लक्ष्यों को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करेगी। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसकी चर्चा हमने की। तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, फिर से वापस चलते हैं, 2 मिनट्स हमको लगेगा। वो कौन कौन से हैं जैसे हमने चर्चा की कि कैबिनेट समिति ने, जो सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति है उसने क्या निर्णय लिया है, उसने निर्णय लिया है कि दो न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है और उसके साथ साथ 31 MQ-98 प्रेडेटर ड्रोन्स हैं उनकी खरीद करनी है और इसका निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हमने जो देखा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। और उसके अलावा हमने देखा कि IBSMR जो 8 संस्करण है, बहुराष्ट्रीय संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास है, उसका आयोजन कहां हुआ है, उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है और उसमें भारत की तरफ से जो युद्ध पोत है INS तलवार उसमें शामिल होगा। और ये जो IBSMR जो 8 संस्करण जो बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है इसमें कौन कौन है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया। अब हम और चलते हैं, ये पुडुचेरी में एक टेली मेंटल हेल्थ सहायता केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसके माध्यम से 24/7 मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी समस्याओं के विशेषज्ञ द्वारा परामर्श दिया जाएगा और ये राष्ट्रीय टेलीमानस कार्यक्रम के अंतर्गत ये आता है। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं।
चलिए हम ऐसे ही बोल देते हैं, अभी बोर्ड नहीं चल रहा है। तो जो हमारा इसके बाद जो बैट का न्यूज था वो क्या था, इसके अलावा हमने आसियान पर चर्चा की थी कि आसियान का सम्मेलन अभी कहां हो रहा है, लाओस में जो भारत और आसियान सम्मेलन है वो कहां संपन्न होगा, वो लाओस में संपन्न होगा, लाओस के बियंताने शहर में, और उसमें समुद्री सुरक्षा, व्यापार, साइबर सुरक्षा, एआई, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा 2025 का जो पर्यटन वर्ष है वो भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और उसके अलावा हमने जो सबसे पहले न्यूज की चर्चा की थी वो क्या था, वो संबंधित था हमारे नोबेल से, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो दक्षिण कोरिया की लेखिका जो है हांगकांग उनको प्रदान किया गया है, और वो उनके काव्यात्मक गद्य के लिए उनको पुरस्कार प्रदान किया गया है जो मानव के जीवन संघर्षों पर आधारित है। तो इसी के साथ हम आज का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको पढ़ चुके हैं, उसके साथ रिवाइज कर चुके हैं। अब हम कल आपके बीच में उपस्थित होंगे अपने नए करंट अफेयर्स को लेकर। इसी के साथ धन्यवाद।